भोपाल में अखंड भारत स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को कर्मश्री संस्था विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानस भवन में कर्मश्री संस्था की बैठक ली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तिरंगा यात्रा कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से संत नगर तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। विधायक शर्मा ने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा हो वो हमारा है। भोपाल के हर क्षेत्र में देश भक्तों को जोड़ना है। यात्रा 1 घंटे की है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन तिरंगे को नमन करना नहीं भूलना है। गौरतलब है कि विधायक रामेश्वर शर्मा हर साल तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं। पिछले साल लगभग 25,000 लोगों ने तिरंगा यात्रा में सहभागिता कर अखंड भारत का संकल्प लिया था। हम जो है अखंड भारत की स्मृति में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है 14 तारीख को प्रातः 10 बजे जो है मदर टेरेसा स्कूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार से शुरू होकर ये बैरागढ़ संत हृदयराम नगर तक जाएगा। ये तिरंगा यात्रा हिंदुस्तानियों की जनभावनाओं की तिरंगा यात्रा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश की यात्रा है, शहीदों के नमन करने की यात्रा है। आज हिमालय की चोटी पर हमने तिरंगा जो फहराने का संकल्प लिया है उसको पूरा करने की यात्रा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।